इतनी लिबर्टी बच्चों को देनी चाहिए। आई फील एज अ मदर, मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि मेरा बचपन जिस तरह से गुजरा, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, सख्ती थी, और आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स के माइंड में भी यही होगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे बच्चे बन के उभरें, उनके माइंड में ये होगा। लेकिन जब मैं पेरेंट बनी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपको घर में फ्रीडम देना है बच्चों को, जो करना चाहें करें अपने घर में अपने माँ बाप के सामने, ताकि अगर उनको कोई शिकायत होती है तो वो आप ही के पास आके उसका जिक्र करें। बिकॉज फिर मिसलीडिंग का तो कोई चांस ही नहीं रहेगा ना, अगर माँ बाप के पास बच्चे आएंगे तो आपका एम ये होना चाहिए कि आपके बच्चे आपसे अपनी हर प्रॉब्लम हर बात शेयर करें और उन्हें घर में वो फ्रीडम मिले कि बाहर उनका दिल ना करे वो सब कुछ करने के लिए। ट्रू, सही बात है। ये भी आपने बहुत अच्छी काम की बात बताई। अच्छा, लूडो बड़ा पसंद है आपको, बहुत खेला करते थे, तो आप वो कौन सी वाली लूडो प्लेयर हैं? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि दूसरे की गीटी को मार दें या अपनी वाली पुगानी है, कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो तसव्वुर ही नहीं कर सकती ना कि कोई अगर जीत रहा है तो अपनी जीत को साइड पे रखो, पहले उसे हराओ, फिर अपने रास्ता क्लियर करो और उसके बाद। तो उसके लिए घर में बैठी रहे लेकिन चार दूसरे की लूडो के लिए ये है। अच्छा, हमारा ये लूडो का स्टाइल ये होता है कि चार लोग खेल रहे हैं, चारों के अपने अपने। अच्छा, वो टीम नहीं बनाते? नहीं, टीम नहीं है, पार्टनर्स नहीं है, और जो जीत रहा होता है बाकी तीनों उसके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, इसको नहीं जीतते? इसको नहीं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड है, नबिया ईमान है, कोई भी है, तो उसको नहीं जीतने देना। अब सोचें जो बंदा ऐसी सिचुएशन में जीतेगा वो कितना बड़ा विनर होगा। सही बात है। तो हम इस तरह से खेलते हैं। तो सेट पे भी यही होता है आपका, जीतने नहीं देती किसी को आप? सेट पे भी अगर लूडो वगैरह खेल, सेट पे बहुत पहले, हाँ एक जमाने में खेलते थे, वो हुमायूं का ही सीरियल था, हमसे जुदा ना होना, आई थिंक यस, उसमें हम लोग खेलते थे, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट थी उसकी कि हमारी बारी ही नहीं आती थी। नहीं, मैं, जहाज़ेब गुरचानी, परवीन अकबर और सादिया इमाम, शायद हम चारों खेलते थे। तो उन लोगों के सीन्स हो रहे होते थे और जावेद फाजिल साहब डायरेक्टर थे, हम खेल रहे होते थे, फिर इतनी लड़ाइयाँ होती थी। मैं, जहाज़ेब गुरचानी का मुझे अभी तक एक स्टाइल याद है, उसने कहा घर जहाँ से घर के अंदर एंटर होते हैं ना उसके आगे मेरी रखी हुई है और उसके दो आ गए। उसने कहा दो से पिटी, मैंने कहा तुम तो अंदर जा रहे हो। नहीं, मैं पीटूंगा, मैं दूसरा चक्कर लगाऊंगा। मैंने कहा ये तो होता ही नहीं, ही सेड हमारे यहाँ होता है ये तो वाकई ट्रू वो है लूडो प्ले के दूसरे को मारना है, पीट के उन्होंने पूरा एक चक्कर दोबारा से लगाया। बहुत मजा आया था उस प्ले में। ये तो आपने बड़ी अच्छी दो ना टिप्स याद करा दी है कि हाँ वो चक्कर दोबारा लगा रहे हो, दूसरे की नहीं जीतने, दूसरे को ना जीतने। गाँव बनाया हुआ आपने छत पे अपने, मुझे बड़ा फैसिनेट किया वो, एक तो उसका नाम बड़ा खूबसूरत है और फिर मैं सुन रही थी पंजाब लाल आटे के बल वाले पराठे बनाती हैं वहाँ पे चाय के साथ, गुड़ वाली चाय के साथ, गुड़ वाली चाय और वो भी लकड़ी पे बनी हुई। तो कितना मसला होता होगा, आंखों में धुआं सारा, लकड़ी को तो जलाना तेज नहीं, मुश्किल ही होता? अब मुझे आदत हो गई है। हाँ। जब मैंने पहली दफा ये चूल्हा वूल्हा बनाया ना, तो मैंने अपनी वो जो हाउस हेल्प थी उससे कहा जलाओ कैसे जलाते हैं, उसने प्लास्टिक की थैलियां लेके डाली और आग लगा दी। मैंने कहा ये कितना डेंजरस है, मतलब प्लास्टिक गर्म करके उसके फ्यूम्स आप लोग इनहेल कर रहे हैं, मैंने कहा ये कभी ना करना। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आप वो पतली वाली कार्टन वाली लकड़ी होती है वो ले के नीचे अखबार रखती हूँ, पहले उस लकड़ी को जलाती हूँ, फिर उसके ऊपर बड़ी लकड़ियाँ रखती हूँ तो वो जल जाता है। और पराठे के पेड़े वेड़े मैं बना के, मेरी अम्मी बनाती थी बहुत अच्छे पराठे, इतने अच्छे कि अगर कोई मोहल्ले से गुजर रहे होते थे ना, आंटी पराठे बना रही हैं, हाँ हाँ बेटा आ जाओ पराठे, तो उनके हाथ के पराठे बहुत मशहूर थे। तो फिर मैंने उनसे सीखा वो कैसे बनाती हैं, लेकिन वो नरमी और वो चीज़ नहीं है, लेकिन जो खाते हैं वो कहते हैं कि हाँ अम्मी जैसे ही है। मेरे भाई भी कहते हैं। चाय कैसी होती है? बहुत मज़े की, गुड़ वाली चाय दम की, वही खालिस दूध की, ठीक है, और वो लकड़ी पे बनती है हल्की आँच पे। अच्छा, जो लकड़ी पे चाय बनती है क्योंकि उसमें वो जो उसके लकड़ी का जो खुशबू का वो होता है, गांव की चाय पी हुई है तो मुझे पता है वो जो खाना उसमें बनता है लकड़ी का, उसमें एक डिफरेंट टेस्ट आता है, सालन में भी और चाय में तो डेफिनेटली आता है, तो आपके पास भी आता है ऐसा वैसा के ट्राई करना पड़ेगा। आइए बिल्कुल, हम अगली वीडियो इनके साथ चाय पराठा और चटनी मेन्यू होता है, मैं सबको बताती हूं, मैंने कहा दाल में लेकर आऊंगी बस, ठीक। तो हमारी एक वीडियो इंशाल्लाह होगी जहां हम ऊपर जाएंगे सुखवाल में। तो बल वाला पराठा इज डिफरेंट फ्रॉम लच्छे वाला पराठा? या लच्छे वाला पराठा जो होता है मैदे का बनता है, क्योंकि मैदे में लचक ज्यादा होती है, उसको आप खींच खींच के उसमें वो फिर लच्छा सा बन जाता है। बल वाला पराठा लाल आटे का होता है, उसमें बल होते हैं, जैसे पुड़ियाँ कहते हैं ना पंजाबी में, पुड़ियाँ वो सॉलिड पुड़ियाँ होती हैं, वो लच्छा नहीं होता उस तरह से, तो इट्स हेल्दियर,
लाल आटे का मुंह में पानी आ रहा है सुन के सीरियसली. आटा रखा है तो मैं अभी बना देती हूँ. नहीं आटा नहीं रखा हुआ. बट आई लव योर यूट्यूब वीडियोस. मैं कल जब रिसर्च भी कर रही थी दो दिन से, मैंने जाके काफ़ी वीडियोस पहले भी देखती रहती थी बट अब कुछ ज़्यादा डिटेल में देख रही थी. मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी वाइब लगी. एंड माई क्वेश्चन वॉज कि आप कैसे इतना कुछ अचीव करने के बाद भी, इतना ज़िंदगी में आगे जाने के बाद भी अपने आप को इतना अनप्रिटेंशियस कैसे रखती हैं. लाइक आई फाउंड यू टू बी सो यू योर सेल्फ, सो ओरिजिनल. मुझे कहीं से बनावट, कहीं से फेकनेस नहीं लगी आप में. तो उसकी क्या ट्रिक है? इज़ इट अ कॉन्शियस एफर्ट या ये बस हो जाता है? नहीं, इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट. क्योंकि एक्टिंग के फील्ड में होना इट्सेल्फ इज़ वेरी डैमेजिंग. यू नो, आप कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उसके बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है. तो आई डू अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग, आई थिंक दैट्स इट. एंड देन आई टॉक टू माई सेल्फ. टाइम के साथ साथ जब इतने कुछ से गुजरे तो मैंने रियलाइज़ किया कि आपकी अपने साथ दोस्ती बहुत ज़रूरी है. और उसका क्या मतलब होता है अपने साथ? उसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप से पूछें जब आपके पास चॉइसेस हों कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस चीज़ में खुशी मिलेगी. अब ये मेरी तो खुशी है ही मेरे बच्चों में, फैमिली में. यू नो, मुझे लगता है कि एक मैग्नेट है. मैं कहीं भी चली जाऊँ, अगर मुझे कहीं दावत पे भी जाना पड़ता है अपने किसी फ्रेंड्स की, नॉट दैट आई डोंट एन्जॉय, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फ़ौरन वापस जाऊँ और मेरे अंदर हग्स की कमी हो गई है और बच्चे आते हैं मुझे याद. लेकिन अदरवाइज भी इफ़ देर इज़ अ सिचुएशन या कोई कैरेक्टर मेरे ऊपर सवार है या कोई सैड कैरेक्टर है एंड इट्स अफेक्टिंग मी, फिर मैं ऊपर सुखवाल जाती हूँ, मंजी पर लेट जाती हूँ, बैठती हूँ, ब्रीदिंग करती हूँ. Or that helps a lot. I'm going to try these things. Yeah, deep breathing. Because मुझे लगता है ये आज की दुनिया में बड़ा challenging है कि आप जो हैं आप उसको preserve करें और आप वही रहें. Yeah. और आसपास की चीज़ों और pressure को अपने आप को नहीं affect करने देते. Yes. आपका इतना लंबा सफ़र है माशाल्लाह से, इतना कुछ आपने किया हुआ है. एंड मैं एक शो देख रही थी जिसमें आप और रुबीना अशरफ थी. एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे लगा कि आप लोग ओके थे इस चीज़ पर बात करने के लिए. तो हर एक्टर की जब उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट किया हो तो एक टाइम आता है जब आपको पता होता है कि आपको इस स्टेज से दूसरी स्टेज पर ट्रांजिशन करना है. मे बी लीड एक्टर से अब आप सपोर्टिंग या आप ज़्यादा कैरेक्टर बेस्ड रोल्स कर रहे हो. तो वो क्या टाइम होता है, कैसे पता चले कि ये हो गया है? एंड हाउ डू यू मेक दैट ट्रांजिशन ईजी? आई वॉन्ट कि आप अगर इस पर बात करें तो जो लोग जो नए एक्टर्स सुन रहे हैं या जो लोग इस स्टेज पर हैं और उनको ये चैलेंज फील हो रहा है तो मे बी दे कैन टेक सम गाइडेंस फ्रॉम यू इन दिस. एक्टर के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती. Okay. मतलब एक्टर ये कह ही नहीं सकता कि मैं इतनी बड़ी एज का रोल कैसे कर सकता हूँ, मैं तो 20 का हूँ, 22 का हूँ, 25 का हूँ. एक्टर ये नहीं कह सकता. हाँ, वो स्क्रिप्ट देख के कोई कैरेक्टर का या कोई अगर कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है उस बेसिस पे तो रिफ्यूज़ कर सकता है. मैंने भी किया ये बिकॉज आई वॉज़ ऑफर्ड अ कपल ऑफ कैरेक्टर्स एंड आई वॉज इन माई 30s. तो मैंने कहा मैं इसकी माँ कैसे बन सकती हूँ यार. लेकिन वो फ़ौरन ही कुछ अरसे बाद ही मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, आई एम रॉन्ग, ये नहीं कर सकती मैं. उसके बाद वो चीज़ मेरे अंदर ख़त्म हो गई. ठीक है, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं टीवी पे वैसे ही बड़ी लगती हूँ, मोटी भी लगती हूँ. तो जब लोग मुझे रियल में मिलते हैं वो कहते हैं यू लुक सो यंग, यू लुक सो थिन, तो मैं उसी में खुश हो जाती हूँ. सो इट डजंट अफेक्ट मी दैट वे बिकॉज मैं ये देखती हूँ कि कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, वो लोगों को कितना इफ़ेक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव वे. अगर नेगेटिव कैरेक्टर भी है तो उसमें से भी वो कुछ सबक हासिल करें. जैसे आँच में था एक बहुत बड़ा सबक, इसीलिए मैं सारी ज़िंदगी थैंकफुल रहूँगी PTV की फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. बिकॉज़ अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है दिलों को जोड़ना, उस ड्रामे ने वो काम किया है. टू थाउजेंड्स ऑफ कपल्स एंड पाकिस्तान में इतने लोगों ने मुझसे कहा है कि हमारी टूटती हुई शादियां बच गई आपके वो ड्रामा देखने के बाद. तो इसी तरह से कोशिश होती है कि ऐसे कैरेक्टर्स हों कि जिसमें बूढ़े जवान का कोई इशू नहीं है. हाँ, इफ़ हम टू लेज़ी और वाइटनर बहुत लगाना है और वो उस वजह से थोड़ा सा मुझे बॉदर कर देता है, बट ये है कि अदरवाइज नॉट एन इशू. कोई तीन चार नाम जब अपने सफ़र को सोचती हैं तो तीन चार नाम जिन्होंने इम्पैक्ट किया है, जो जर्नी में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनका जिक्र कर सकती हैं आप? उज़्मा गिलानी साहिबा से मैं बड़ी इंस्पायर्ड थी फील्ड में आने से पहले. यू सो लकी टू हैव मेट हर एंड यू नो. या एंड आई रिमेंबर आई वंस मेट हर एंड द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज ओ शगुफ्ता हिजाज माय फेवरेट.
मैंने कहा आपके मुंह से ये बात सुन के तो व्हाट एन ऑनर। और राहत काजमी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनके ड्रामे देखती थी मैं।